डियर स्टूडेंट्स, मैं मुन्ना यादव और आपके रामी जी, सिलेबस यानी कि जो है फर्स्ट चैप्टर यानी समुच्चय, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर यानी समुच्चय चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें हम लोग को सीखना चाहिए, जो कि आप पहले सीख चुके हैं, तो फिर भी ये हमारा चैप्टर समुच्चय स्टार्ट करने से पहले हमें सीखना जरूरी है। देखिए, हमारा पहला है अंक, यानी अंक जो है हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जो हमारी है इसको हम बोलते हैं अंक, अंक कहते हैं। और इन्हीं अंकों को मिलाकर हमारी जो है संख्या बनती है, यानी कि अंक गणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से बनती है। यानी ये जो हमारी पास 10 अंक है, 0 को शामिल कर देने से हमारी जो 10 अंक बन जाएगी, उसी अंक को मिलाकर हम निकाल बनाते हैं संख्या। आगे देखिए, हमारा प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या जो है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आपका जैसे मैं गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, यानी कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इत्यादि। अब जो हमारा है सबसे छोटा प्राकृत संख्या जो है आपका एक है। सबसे छोटा जो प्राकृत संख्या है, छोटा प्राकृत संख्या, वो आपका 1 है। सबसे छोटा प्राकृत संख्या जो है आपका 1 है। अब देखिए, इसके बाद आपका आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने से संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि जो हमारा प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से जो हमारी संख्या परिवार बनता है, संख्या बनता है, उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। यानी देखिए, हमारा प्राकृत संख्या जो है हमारी 1 से शुरू होती है, और उसमें 0 को शामिल कर देने से, यानी कि हमारा जो है 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर देखिए इनफाइनाइट तक चला जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। अब देखिए, इसमें है कि पूर्ण संख्या, सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या हमारी है शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है आपकी शून्य हो जाएगी, यानी कि 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अगला क्या है कि सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। देखिए, जैसे मैं आपका आ जाएगा 2, 4, 6, 8 इत्यादि, यानी कि जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए, 2, 4, 6, 8 जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 2 से, यानी जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। अगले हमारे पास है विषम संख्या, यानी वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी कि जो 2 से विभाजित न हो, वो हमें कहलाती है विषम संख्या कहलाती है। तो देखिए, हमारा जो विषम संख्या आ जाएगा आपका 3, 5, 7, 9, यानी कि जो है आपका विषम प्राकृत संख्या जो कि 2 से विभाजित नहीं होगी। अगला देखिए आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या है कि वैसी संख्या जिसे p / q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखी जा सकती है, तथा q not equal to 0, यानी कि जो हमारा q है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। देखिए एग्जांपल, यानी कि जैसे मैं आपका दिया है, जैसे मैं देखिए 1/2, ये आपका है परिमेय संख्या। 1/2 जो है आपका परिमेय संख्या है। अगला देखिए, जो है आपका 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या है। यहाँ पर देखिए 22/7 को हम लिख सकते हैं पाई, बट पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। पाई जो है अपरिमेय संख्या कहलाता है, लेकिन जो हमारा 22/7 है वो आपका परिमेय संख्या है। अगला देखिए आपका एग्जांपल, देखिए आपको अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। देखिए इसका, जैसे में जो है आपका जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी कि आपका √3। अगला आपका पाई, यानी कि पाई जो है आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। और देखिए पाई का मान होता है 22/7, लेकिन 22/7 जो है आपका परिमेय संख्या कहलाता है, और जो हमारा पाई है वो हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे देखिए, हमारा दिया है इस तरह से 1/√5, ये भी आपका जो अपरिमेय संख्या कहलाता है। आगे देखिए, अगर दे दिया है √5 + 2, इसमें देखिए जो 2 हमारा परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय और परिमेय का जो योग होता है, यानी कि जोड़, वो आपका अपरिमेय संख्या ही होता है, यानी कि ये भी एक हो जाएगा अपरिमेय संख्या। आगे देखिए, हमने दिया है कि पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यानी कि धनात्मक प्राकृत संख्या, धनात्मक प्राकृत संख्या और ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक प्राकृत संख्या, ऋणात्मक प्राकृत संख्या तथा शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देखिए आपका दे दिया, यहाँ पर लिख रहे हैं एक रेखा लाइन है, वहां पर आपका शून्य भी है और धनात्मक प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4
इधर हो गया माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, यहाँ पर हो गया माइनस का फोर। ये जो आपका पूरा पूरा पूर्णांक संख्या कहलाता है, यानी कि जिसमें धनात्मक प्रकृत संख्या, ऋणात्मक प्रकृत संख्या तथा शून्य भी हो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब देखिए दोस्तों, अब हम आते हैं अपने समुच्चय पर। यहाँ तक आपको अलग अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जितनी सारी हम लोग पढ़ाई की पीडीएफ है आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, वहां से आप लोग जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। और बता दें कि आपको अगर कोई भी डाउट होती है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। और आपको जितना भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से मैसेज करके आप लोग वहां से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।